दुनिया से सबसे पुराने वाला चीज कौन है? तो श्री कृष्ण बोले जे मार्कंडेय मुनि एक्चुअली एक प्रलय प्रलय देखे हैं, तो उनसे जाके पूछो कि सबसे पुराने कौन है। तो युधिष्ठिर महाराज मार्कंडेय मुनि के पास चले गए, तो मार्कंडेय मुनि बोले सही, आप सही बोल रहे हो कि मैं एक प्रलय देखा हूं, बट मुझसे भी पुराना एक है जो तीन प्रलय देखा है। वो कौन है? वो है एक कुर्म, एंड उसका नाम है अकुपार कुर्म। हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग इंटरनेट वास्तु के ऊपर डिस्कशन करेंगे। ये इंटरनेट वास्तु क्या होता है? एक्चुअली इंटरनेट वास्तु ऐसा एक कॉन्सेप्ट है जो आज के डेट में हर वास्तु के बंदे डिस्कशन करते हैं। अगर मान लीजिए अगर हमारा एक प्लॉट खरीदना हो या एक घर खरीदना हो, तो वो हाउस का डायरेक्शन क्या होगा? अगर किसी को भी पूछ लेंगे तो नॉर्मली वो बोलेंगे इधर इट इज ए ईस्ट फेसिंग हाउस, ठीक है, नहीं तो नॉर्थ फेसिंग हाउस। ये दो फेसिंग हाउस आप हमेशा जगह हर जगह से सुनोगे। तो एक क्वेश्चन मन में आता है वेदर ईस्ट फेसिंग और नॉर्थ फेसिंग दोनों, अगर जो फेसिंग हम बात कर रहे हैं वो क्या हर आदमी के लिए ठीक है? नॉर्मली बोल लोग बोलते हैं कि मैं एक प्लॉट लिया और हाउस लिया जो कि नॉर्थ फेसिंग है, तो ये क्वेश्चन है कि नॉर्थ फेसिंग क्या उसके लिए सही था? ठीक है, जो आइडेंटिकली सबको बताया गया है कि ईस्ट डायरेक्शन ये है करना है, साउथ ईस्ट कॉर्नर है वो फायर डायरेक्शन है, वहां पर फायर प्लेस लाना है, साउथ वेस्ट जो कॉर्नर है वहां पर बेडरूम करना है, नॉर्थ आपका नॉर्थ डायरेक्शन हो गया वहां पर रिसोर्सेस रख मतलब पैसा रखना है या ट्रेजरी वगैरह करना है, या क्या ये क्या सही है? नॉर्थ ईस्ट ईशान कौन है? ठीक है, ये जो जेनरिक चीज बताया जाता है जो हर आदमी के लिए एक जैसा, वो क्या सही है? उसको बोला जाता है कि इंटरनेट वास्तु। मेरे हिसाब से वो इंटरनेट वास्तु है। हम इंटरनेट से कुछ चीज पढ़ लिए एंड उसको बताते चले गए, तो दैट इज ए काइंड ऑफ इंटरनेट वास्तु। आप देखोगे एक घर में, मान लीजिए एक स्पेसिफिक घर में वो नॉर्थ डायरेक्शन नॉर्थ एंट्रेंस वाला घर होगा, वहां पर अगर दो भाई हैं, दो ब्रदर्स हैं, तो एक ब्रदर का प्रोफेशनली वो ग्रो कर रहा होगा, दूसरा ग्रो नहीं कर रहा होगा, तो उसका आप आंसर कैसे दोगे? तो मेरे ये जो टोटल कहने का यही मतलब है, देर हैज सर्टेन थिंग वी मस्ट टेक केयर, क्योंकि जेनरिक वाला चीज तो रहेगा। आप जब भी जाओगे यू विल गेट दैट जेनरिक काइंड ऑफ थिंग, जे नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर ईशान कोने, गुड फॉर टेम्पल्स, वाटर के लिए आप इधर नॉर्थ वेस्ट और वेस्ट डायरेक्शन, वरुण दिग या नॉर्थ वेस्ट वो मून का डायरेक्शन है, वहां पर आप ले जाओगे। ठीक है, तो आप देखिए ये पूरा जेनरिक जेनरिक काइंड ऑफ थिंग्स, सबको एक जैसा बोलना। चलिए कुछ लोग सक्सेसफुल इस तरह का बोल के कुछ लोग अपना बिजनेस सक्सेसफुली चला रहे हैं, बट इट इज ऑल अबाउट कर्मा व्हाट वी आर एक्यूमुलेटिंग बाय डूइंग ए सर्टेन काइंड ऑफ थिंग। तो मैं आज आपको क्लैरिटी लाऊंगा, अगर आप कोई फेसिंग का घर खरीद रहे हो तो उसका रीजन क्या है, उसके लिए आपको क्या करना है या कौन कौन सा चीज देखना है। तो पहला चीज है कि हमेशा आपको आपका बर्थ चार्ट को रेफर करना चाहिए। अगर बर्थ चार्ट नहीं है देन यू कैन यूज ए प्रश्ना, प्रश्ना चार्ट को आपको रेफर कर सकते हो, बट नॉर्मली क्या करना है आपको बर्थ चार्ट को देखना है। एंड जो डायरेक्शन की बात कर रहे हैं वो डायरेक्शन का जो प्लैनेट है, फॉर एन एग्जाम्पल जैसे मैं एग्जाम्पल दिया नॉर्थ डायरेक्शन इज वेरी गुड, आप बोल सकते हो नॉर्थ डायरेक्शन इज वेरी गुड, बट मेरा जो क्वेश्चन है नॉर्थ डायरेक्शन में अगर हम घर बनाएंगे नॉर्थ डायरेक्शन में, किसी का बर्थ चार्ट में अगर मर्क्यूरी कर्स्ट में इन्वॉल्व है, तो एक्चुअली लॉजिकली वी आर आस्किंग द पर्सन टू डू वेस्ट बाई चूजिंग ए वर्स्ट डिरेक्शन, क्योंकि वो डिरेक्शन का जो लॉर्ड है मर्क्यूरी बुद्ध,
वो कॉस्ट में इन्वॉल्व है या डेबिलिटेटेड है या मरण कारक स्थान में है। तो ये सब चीज अगर करेंगे तो डेफिनेटली आप देखोगे वो घर में उसका रिजल्ट उसको अच्छा नहीं मिलेगा। तो मेन एंट्रेंस जो हम चूज करते हैं, नॉर्मली आपको मेन एंट्रेंस चूज करना है तो वो डिरेक्शन, जो डिरेक्शन का हम मेन एंट्रेंस ले रहे हैं उसका लॉर्ड आपका बर्थ चार्ट में कैसा प्लेस है वो देख लो। मैं आपको पहले एक वीडियो बनाया था जहां पर अष्टक वर्ग यूज करके बताया था, जे लग्न का अष्टक वर्ग का पॉइंट जिस डिरेक्शन का हाईएस्ट होगा यू मस्ट गो फॉर दैट डिरेक्शन, वो एक मेथड है। बट अगर आप जो डिरेक्शन नॉर्मली हम लेते हैं जैसे कि ईस्ट हो गया सन, साउथ ईस्ट ये वीनस का डिरेक्शन है, साउथ ये मार्स का डिरेक्शन है, साउथ वेस्ट ये राहु का डिरेक्शन है, वेस्ट मर्क्यूरी, वेस्ट हो गया सेटन का डिरेक्शन, नॉर्थ वेस्ट ये मून का डिरेक्शन, नॉर्थ मर्क्यूरी का डिरेक्शन, नॉर्थ ईस्ट हो गया जुपिटर का डिरेक्शन। अगर आप नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में नॉर्थ ईस्ट का एंट्रेंस ले रहे हो तो आप पहला चीज जो देखना है वो आपका चार्ट में नॉर्थ ईस्ट का जो डिरेक्शन लॉर्ड है, दिगाधिपति दिगपाल, वो जुपिटर, वो आपका चार्ट में कैसा प्लेस है वो पहले देख लो। अगर वो डेबिलिटेटेड है, वो कॉस्ट में इन्वॉल्व है, तो आप वो डिरेक्शन में अगर कुछ घर बनाओगे देन यू कैन नॉट हैव गुड एक्सपीरियंसेस। देखिए हम जो डिफरेंट डिफरेंट चीज करते हैं लाइफ में, जैसे कि चूजिंग ए राइट हाउस, चूजिंग ए राइट डिरेक्शन, इसका मेन पर्पज क्या है? इसका मेन पर्पज है टू हैव ए गुड एक्सपीरियंस इन आवर लाइफ। ठीक है, तो अगर मान लीजिए आपका जो एंट्रेंस का प्लॉट ले रहे हो या घर ले रहे हो, वो डिरेक्शन का जो एंट्रेंस का डिरेक्शन है उसका दिगपति अगर आपका चार्ट में अच्छा प्लेस्ड नहीं है देन यू नेवर गो इन दैट डिरेक्शन। समझ रहे हैं? इसलिए हमेशा आप ईस्ट के लिए सन का स्ट्रेंथ देखिए आप आपका चार्ट में, अगर सन का स्ट्रेंथ नहीं है यू डू नॉट गो इन दैट डिरेक्शन। मैं रिसेंटली एक चार्ट एनालाइज कर रहा था जहां पर वो नेटिव एक ईस्ट डिरेक्शन का प्लॉट खरीदने की सोच रहा था एंड मैं जो देख रहा था उसका चार्ट में सन इज इन इट्स मरण कारक स्थान। ठीक है, सन इज इन इट्स मरण कारक स्थान, तो उसमें क्या है, वो प्लॉट जब से खरीदने की सोच रहा है और प्लॉट खरीद के जब तक वो घर में एंट्रेंस नहीं किया है वो सब टाइम में उसका स्ट्रेसफुल टाइम पीरियड चल रहा था। तो उसका कहने का मतलब है यू कैन बाय ए प्लॉट, अगर आप पैसा देके टेंशन को खरीद रहे हो तो ये गलत चीज है। एटलीस्ट हमको चार्ट में देखना है कौन सा प्लैनेट अच्छा वेरी नाइसली प्लेस्ड, हम वो प्लैनेट को चूज करना है। अगर हम चूज करेंगे विद ए प्लैनेट ऑफ रॉन्ग, ऐसा अच्छा डिग्निटी नहीं हो, कॉर्स में इन्वॉल्व हो, बैडली प्लेस्ड हो, तो आप वो डिरेक्शन में जब भी जाओगे देन डेफिनेटली यू विल हैव प्रॉब्लम। ठीक है, ये हो गया पहला पार्ट। जैसे कि अगर हम चूज करना चाहते हैं वेदर वी डू हैव ऑप्शन टू चूज और नॉट, मान लीजिए कहीं कहीं ऐसा आपका लाइफ में सिनेरियो आएगा जहां पर यू डू नॉट हैव ऑप्शंस। फॉर एन एग्जांपल, जैसे कि कोई शादी करके एक लड़की ससुराल में आता है एंड वो ससुराल का एक पर्टिकुलर डिरेक्शन का घर है, तो दिस लेडी डू नॉट हैव दैट काइंड ऑफ अपॉर्चुनिटी, और हम जो बोलते हैं चूजिंग का जो चीज है उसके पास नहीं है, तो वहां पर क्या करना है? तो वहां पर आप देखिए दूसरा चीज कर सकते हैं, यू ट्राई टू इम्प्रूव दैट तत्व। जैसे कि उसका चार्ट में मर्क्यूरी अच्छा प्लेस्ड है, तो तत्व मर्क्यूरी का क्या है, एर्दी एलिमेंट, एर्दी एलिमेंट को इम्प्रूव करने के लिए हम बोल सकते हैं। एर्दी एलिमेंट कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं ना, जैसे कि सैंडल पेस्ट यूज करना, सैंडल पेस्ट हम लगाने के लिए बोल सकते हैं, सी कैन यूज सैंडल पेस्ट, नहीं तो फॉर एन एग्जाम्पल
वो नॉर्मली हम उनको बोलना चाहिए, उसका चार्ट में वो घर का एक नक्शा होगा या ड्राइंग होगा, उसमें हमको उसका वो जोन देना चाहिए जहाँ पर उसका एनर्जी बैलेंस हो सके। नहीं तो हम बोल सकते हैं ये फेसिंग करके बैठना है, वो पर्टिकुलर डिरेक्शन में फेसिंग करके बैठना है जिससे उसका ज़्यादा से ज़्यादा इंटेलिजेंस यूज हो सके। वो हम अष्टक वर्ग यूज करके कर सकते हैं, मैं पहले उसको बना चुका हूँ, अगर आपको उसको देखना है तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा। ठीक है, तो मेन पर्पज है वी नीड टू अंडरस्टैंड ए पर्टिकुलर डिरेक्शन एंड उसका जो लॉर्ड है वो आपका चार्ट में कैसे प्लेस्ड है, वो पहला चीज है हमको अंडरस्टैंड करना है। बाकी बात का चीज है, अगर आप कहीं पर भी नया प्लॉट लेने की सोच रहे हो या नया घर खरीदने की सोच रहे हो तो डेफिनेटली यू नीड टू फाइंड आउट द डिरेक्शन एंड किसके नाम पे वो रजिस्ट्रेशन होने वाला है, उसका चार्ट में वो कैसा प्लेस्ड है। और अगर इन जनरल की बात करेंगे तो जैसे कि सन, सन में जैसे बोला ईस्ट डिरेक्शन का लॉर्डशिप है, बट आपका घर का जो पूजा प्लेस दैट इज ऑल्सो कम्स अंडर सन, पूजा प्लेस का जो डिरेक्शन, जैसे कि मैं बताया मर्क्यूरी अगर किसी का प्रॉब्लमेटिक होगा तो ड्राइंग रूम इज ऑल अबाउट मर्क्यूरी, तो उसको बोलिए ड्राइंग रूम यूज नहीं करना है, ड्राइंग रूम में ज़्यादा टाइम रुकना नहीं है। मर्क्यूरी का अगर बोलेंगे तो ड्राइंग रूम, प्लेग्राउंड साइड में अगर घर का कुछ छोटा बड़ा प्लेग्राउंड हो या प्ले रूम कुछ किए हैं, लाइब्रेरी, गार्डन्स, ये सब मर्क्यूरी को रिप्रेजेंट करता है। अगर मर्क्यूरी प्रॉब्लमेटिक है देन डेफिनेटली आस्क देम नॉट टू स्पेंड मोर टाइम ऑन दिस एरियाज इन इन द इनसाइड द बिल्डिंग। ठीक है, अगर सन है देन इट इज पूजा प्लेस, मेडिटेशन प्लेस, आपका घर का जो शिवलिंग, मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ शिवलिंग के ऊपर, देख लीजिए शिवलिंग दैट कैन ऑल्सो रिप्रेजेंट सन, उसको अगर आप प्रॉपरली प्लेस करोगे देन यू इट विल गिव यू एनहांसमेंट। ठीक है, मून अगर बात करेंगे जहां सब मिल बैठते हैं, वो वाला भी मून का है, फैमिली रूम बोलते हैं, बाथरूम, बाथ टॉप्स, जहां पर पानी आप रखते हो, इधर कीप ए बाल्टी ऑफ वाटर इन दैट पार्ट, इन दैट पार्ट ऑफ ऑफ योर हाउस कैन ऑल्सो सिग्निफाई मून। स्विमिंग पूल अगर बात करेंगे तो दैट इज अगेन मून। ठीक है, मार्स हो गया आपका किचन, ठीक है, डाइनिंग रूम एंड इलेक्ट्रिकल रूम्स, ये मार्स मार्स का जोन हो गया। ठीक है, देन आ गया जुपिटर, जुपिटर आपका ट्रेजरी, जहां पर पैसा रखते हो। देखिए मर्क्यूरी इज बुक बट जुपिटर इज नॉलेज, जैसे कि आप जहां पर मान लीजिए कुछ पर्स की बात करेंगे दैट इज ए काइंड ऑफ मर्क्यूरी काइंड ऑफ थिंग, बट जहां पर ज्वेलरी रखते हो, पैसा हैवी अमाउंट रखते हो, दैट इज जुपिटर, दैट इज ट्रेजरी। ठीक है, जुपिटर हो गया वो वाला चीज। दूसरा है स्पिरिचुअल, अगर स्टडीज जैसे गीता गीता को पढ़ना है तो उसके लिए कोई रूम है, मेडिटेशन रूम, लाइब्रेरी, ठीक है, लाइब्रेरी ऑफ स्पिरिचुअल बुक दैट रिप्रेजेंट जुपिटर। ठीक है, विनस, विनस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बेडरूम, आप देख रहे हो कि हस्बैंड एंड वाइफ में कंटिन्यूस झगड़ा हो रहा है तो आप डेफिनेटली वो बेडरूम का डायरेक्शन देख लीजिए कौन सा डायरेक्शन में ये है, एंड वो वाला प्लैनेट उन दोनों के चार्ट में कैसा है, समझ रहे हैं ना, सिंपल सा चीज है, बेडरूम डायरेक्शन एंड देयर प्लैनेट स्ट्रेंथ इन दैट चार्ट। बेडरूम सबसे अच्छा है कि मैं जैसे कि अष्टक वर्ग यूज करके पिछले वीडियो में बनाया था कि अष्टक वर्ग में कौन सा डिरेक्शन में हाईएस्ट पॉइंट आ रहा है, यू चूज दैट डिरेक्शन फॉर बेडरूम। सेटन, सेटन आपका स्पेसिफिकली स्टोर रूम, डस्टबिन्स, जहां पर आप कुछ गार्बेज रख रहे हो, वो वाला चीज सेटन को रिप्रेजेंट करता है, स्टोर रूम सेटन को रिप्रेजेंट करता है। उसका देख लीजिए सर्वोत्तम अष्टक वर्ग में कौन सा जगह में उसका हाईएस्ट पॉइंट आ रहा है, उस डायरेक्शन में यू कैन गो फॉर सेटन, मतलब स्टोर रूम और गार्बेज थिंग रख सकते हो। देखिए हमेशा
आप जो मेन एंट्रेंसेस के लिए, मेन एंट्रेंस के लिए नवांश लग्ना को यूज करने की कोशिश कीजिए, बिकॉज इट इज ऑल अबाउट योर भाग्य। अगर भाग्य को राइज करना है तो नाइन्थ लॉर्ड इन डी वन एज वेल एज नाइन्थ लॉर्ड ऑफ डी नाइन इज वेरी इंपॉर्टेंट, दे आर वेरी क्रुशियल। लग्न, लग्न रिप्रेजेंट्स योर, जैसे कि आपका जो बर्थ टाइम में जो ईस्टर्न हॉरिजिन में जो डायरेक्शन राइज हो रहा था, दैट इज लग्न। ठीक है, तो लग्न आपका डिसाइड करता है मेन डोर का इंस्ट्रेस, आपका रिकॉग्निशन, जैसे कि आपको कुछ प्राइज मिला है वो कहाँ रखेंगे, लग्न का अष्टक वर्ग देख के यूज कर लो वो वाला डायरेक्शन। तो फ्रेंड ये था व्हाट इज एक्चुअली वास्तु रेदर देन इंटरनेट वास्तु, जहां पर हम हर डायरेक्शन को एक जैसा बोल रहे हैं। दुनिया में हर आदमी का अगर घर नॉर्थ फेसिंग या ईस्ट फेसिंग हो जाए तो क्या होगा, ठीक है। बट हाँ कहीं किस कई कई जगह पर जैसे कि हमारा बर्थ चार्ट अवेलेबल नहीं है तो हम जेनरिक चीज बता देते हैं, दैट इज डिफरेंट। बट इंडिविजुअल चार्ट अगर अवेलेबल हो तो डेफिनेटली वी नीड टू यूज दिस नॉलेज टू गाइड दैट पर्सन, बिकॉज इट इज ए काइंड ऑफ कर्मा। अगर आप गुड इंटेंशन के साथ किसी को हेल्प करना चाहते हो या किसी को गाइड करना चाहते हो तो डेफिनेटली हमारा जो वैदिक चीज है, जो वेदांग, ज्योतिष इज ए वेदांग, दिट इज द आई ऑफ वेदांग, सो यू मस्ट गिव दिस इनपुट टू दैट नेटिव सो दैट ही कैन गो टू ए वास्तु कंसल्टेंट एंड ही एक्सप्लेन ऑल दिस थिंग इन डिटेल। ठीक है, यहां पर देखिए और एक चीज है, जो अगर वास्तु का प्रॉब्लम आपका साथ है, अगर वास्तु का प्रॉब्लम आपका चार्ट में है, या आपका चार्ट में भी हो सकता है या आपका जहां पर हो वहां पर है, तो उसको कैसे इराडिकेट करा किया जा सकता है। तो एक सिंपल सा मंत्र जो अकुपार कुर्म का है, तो अकुपार कुर्म का न, कौन है, तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है एंड ये स्कंद पुराण से लिया गया है। युधिष्ठिर महाराज श्री कृष्ण को पूछे कि दुनिया में सबसे पुराने पुराना वाला चीज कौन है। ठीक है, युधिष्ठिर महाराज श्री कृष्ण से पूछे जे दुनिया से सबसे पुराने वाला चीज कौन है, तो श्री कृष्ण बोले जे मार्कंडेय मुनि एक्चुअली एक प्रलय प्रलय देखे हैं, तो उनसे जाके पूछो कि सबसे पुराने कौन है। तो युधिष्ठिर महाराज मार्कंडेय मुनि के पास चले गए, तो मार्कंडेय मुनि बोले सही, आप सही बोल रहे हो कि मैं एक प्रलय देखा हूं, बट मुझसे भी पुराना एक है जो तीन प्रलय देखा है, वो कौन है, वो है एक कुर्म एंड उसका नाम है अकुपार कुर्म एंड वो इस साइड रहता है। तो युधिष्ठिर महाराज वो अकुपार कुर्म के पास गए, तो अकुपार कुर्म जब आ रहे थे, कुर्म इज लाइक भगवान विष्णु, कुर्म अवतार ऑफ लॉर्ड विष्णु, वो आके बताए आप सही बोल रहे हो मैं तीन प्रलय देखा हूं बट मुझसे पुराना एक चीज है जो शायद पांच या छह प्रलय देखा है, वो कौन सा चीज है, वो है कल्पवट। अब जगन्नाथ पुरी जाएंगे तो वहां पर एक कल्पवट है, दैट बट हैड सीन, मैं एग्जैक्टली रिमेम्बर नहीं कर पा रहा हूँ, 5 या 6 प्रलय। ठीक है, तो युधिष्ठिर महाराज वो कल्पक बट के पास गए तो बोला ठीक है मैं 5 या 6 प्रलय देखा हूं बट मुझसे भी कोई पुराना है, आप यहां पे जाए वहां एक रत्न सिंहासन है, वो रत्न सिंहासन हैज सीन मोर प्रलय देन मी, मुझसे वो ज्यादा प्रलय देखा है। तो वो वहां से रत्न सिंहासन को गए, वो बोला सही है, रत्न सिंहासन बोला भी सही है, मैं प्रलय देखा हूं बट मेरे ऊपर जो बैठे हैं वो मुझसे भी ज्यादा प्रलय देखे हैं एंड वहां पर निराकार परम ब्रह्म भगवान जगन्नाथ जी बैठे थे। ठीक है, तो यहां पर मैं आपको बोल रहा हूं जो अकुपार कुर्म, कुर्म अवतार भगवान कब लिए थे, टू ब्रिंग द स्टेबिलिटी ऑफ मंदराचल पर्वत। तो अगर कुर्म भगवान को हम पूजा करेंगे सैटरडे को, देन आपका चार्ट में वास्तु दोष होगा तो वो प्रॉब्लम रेक्टिफाई हो जाएगा। कुर्म अवतार ऑफ भगवान विष्णु, ओम नमो भगवते अकुपाराय, अकुपार कुर्म को लेके ये मंत्र है, ओम नमो भगवते अकुपाराय। सो
सो फ्रेंड्स, आज का डेट में जो इंटरनेट वास्तु चल रहा है, आप उसको ध्यान ज्यादा ध्यान मत दीजिए। नॉर्मली वी नीड टू आस्क क्वेश्चन। अगर कोई आपको बोलता है ये डायरेक्शन अच्छा है, ये डायरेक्शन खराब है, डेफिनेटली वी हैव ए राइट टू आस्क क्वेश्चन। वी नीड टू अंडरस्टैंड द होल सब्जेक्ट। फ्रेंड्स, ये था वास्तु, हाउ डिफरेंट डिरेक्शन, हाउ डिफरेंट एनर्जी जोन्स इफेक्ट आज। होप यू लाइक दिस वीडियो। डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।